सीरियल निमकी मुखिया में आज हो रहा है नया हंगामा। वो क्या है कि तेतर सिंह गए थे सम्मान समारोह में, लेकिन जब तेतर सिंह घर वापस लौटे तो तेतर सिंह के मिजाज थोड़े बदले बदले से लगे। दरअसल तेतर सिंह के सम्मान समारोह में नेहर सिंह ने कर दी है उनकी जमकर बेइज्जती, और अब बेचारे तेतर सिंह को समझ में नहीं आ रहा है कि घर वालों को वो क्या जवाब दे, क्योंकि घर वाले बड़ी ही बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे कि जब घर के मुखिया तेतर सिंह आएंगे तो उनके गले में होंगी सम्मान की मालाएं। अपने पिता की ये बेइज्जती बब्बू सिंह से बर्दाश्त नहीं हुई। देखे तो जरा, बब्बू ने तो गुस्से में आकर हाथ से ग्लास ही फेंक दिया। भाई, बब्बू जी का गुस्सा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जब तक नेहर सिंह से वो बदला नहीं ले लेंगे तब तक उन्हें चैन की सांस नहीं आएगी। बस अभी ना बहुत हो गया, इन्हर ना इका कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत टांग अड़ाने लगा है आज तो। कुछ नहीं, अरे जहां पॉलिटिक्स में सब तो होता नहीं लगता है ना। फिर वो मुखिया का जो चोट है ना, वो नहर को बहुत ही गहरा लगा। इन्हर मारिए। अब नेहर सिंह को कैसे सबक सिखाना है और जो अपमान हुआ है उसका बदला कैसे लेना है, ये भी तेतर सिंह को बड़े अच्छे से पता है। तभी तो तेतर सिंह घर का माहौल शांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो हुआ कोई बात नहीं, ऐसा करो जाकर हम सब ससुर जी ही रहे। दादी, अब देखना पूरा इलाका में हम लोग का राज आएगा। आइए बब्बू से ही जानते हैं आज के इस पूरे सीन के बारे में। नहीं, ये सम्मान हुआ, बट वहाँ पे काफी चीजें ऐसी हो गई हैं जो जिस वजह से हमको गुस्सा आया और बहुत ही ज्यादा इज्जत उछाली गई वहाँ पे। हमने एक्चुअली वो पोर्शन अभी शूट नहीं किया है, सीरियसली बोलूँ तो हम करने वाले हैं, बट जितना मुझे आइडिया है उस स्क्रिप्ट के बारे में मैंने पढ़ा था तो उसमें ये था कि नहर सिंह वहाँ पे आ जाता है और हमारी बहुत बेइज्जती करता है, तो हम उसके बाद वाला सीन पहले शूट कर रहे हैं। बिकॉज क्या कहते हैं, आज जो थे हमारे कुछ ऐसे सीन्स लगे थे जो हम ऑर्डर में हम नहीं करते हैं शूटिंग, तो बाद का सीन हम पहले शूट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने इसमें फिर हमको गुस्सा रखना पड़ा कि हम वहाँ पे हमारी बेइज्जती हुई है और इतना कुछ नहर सिंह ने बोला है कि ये दूसरी पार्टी के हैं, इनको ये सम्मान नहीं मिलना चाहिए एंड बहुत कुछ बोला उसने वहाँ पे, जिस वजह से हम गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते बिकॉज बहुत लोग होते हैं, इसलिए यहाँ पे आके वो सारा गुस्सा निकाला जाता है। क्योंकि यूजली हमारी फैमिली में देखते हैं, फैमिली के अंदर ही आके सब चीज़ें होती हैं। तो ये बात है। वैसे तो हम यही कहेंगे तेतर सिंह जी कि अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो थोड़ा सब्र रखिए और ठंडे दिमाग से काम कीजिए, लड़ाई झगड़ा करने से आपका बना हुआ काम बिगड़ सकता है। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट, E24।